तो गाइस अभी ये दूसरा गाना गाने वाला है और बोल रहा है बेइज्जती वाला मत डालना. दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग एंड आई विल डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टू यू. जब देखो यही गाना. तो गाइस अभी ना कार्तिक मेरी हेल्प करने आया है, मुझे एक दो वीडियो प्रमोशन शूट करना है तो उसके लिए. एंड हम लोग ना जॉली जॉली खेलते हैं, जॉली जैसे कि ये कल से खेल रहे हैं. तो अभी देखते हैं उसके हाथ में है कि नहीं है. देखो कितना हीरो बन रहा है ये अपने आप को. खोलो इसे, खोलो ना. मैं चल जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब मत किया करो. खोलो इसे. हाँ, अपने आप को ज्यादा हीरो बनने वाले हैं. लोग नहाते हैं नहीं, व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं. और बोल लो तुम भी ना नहाते हुए. क्यों नहीं नहाते भाई, ज्वेलरी दिखाओ पहले तो. अबे तुमने पैन चेंज क्यों किया बे? क्यों पैन चेंज नहीं कर सकते थे, एक ही कलर से होना था. ये कब ये थोड़ी होता है पागल. यही होता है भाई, यही होता है. ऐसा कुछ होता है, ये कौन सा अपना रूल्स एंड रेगुलेशन नया बना रहा है. जॉली तो होती है कि तुम्हारे हाथ पे कोई भी पेन से कलर होना चाहिए जो बचपन में खेलते थे. दिखाना हीरो तो है, बना के तो आया. तुम्हें कब याद आया ये बनाने का? मुझे लगा ये हार जाएगा क्योंकि हमने सोचा है कि जो हारेगा मतलब जिसके हाथ पे जॉली नहीं होगी उसको ट्रीट देना पड़ेगा. तो मतलब यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है मैच तो कार्तिक बुनियादी ट्रीट देगा. ठीक है, ड्रॉ में तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है. मैन ऑफ द अवार्ड यार. यार मुझे पता, उम्मीद थी कि तुम नहीं बनाओगे, तुम बिजी होगे. तुम्हें कैसे याद आया ये? सुबह बना दिया मैंने ऑफिस जाते ही. वेरी स्मार्ट, देखा कितना स्मार्ट है, चलाक चतुर. तो गाइस अभी मैं आ रही थी बास्किन रॉबिन. आजकल मैं आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है तो मैंने अपने फेवरेट इंसान के साथ आइसक्रीम खाने आई हूँ. गाइस मुझे चॉकलेट वाला खाने का मन कर रहा था तो अभी मैं वो वाला खा रही हूँ, ये वाला. तुम हाँ तो तुम दिमाग ही खाते हो. मुंह क्यों लटका रखा तुमने आज? ठीक है फिर जाओ, निकल जाओ, चलो भागो. अपने पसंदीदा मर्द के साथ आइसक्रीम खा रही गाइस मैं. ना पप्पू ये वो नहीं है यार. गाइस ये इतना चटक बनता है ना, इसने बोला ये वो वाली आइसक्रीम है, ये वो ही पुरानी वाली आइसक्रीम खिला दी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. तो गाइस मैं घर आ गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं सो गई थी. एंड अभी उठी हूँ और भूख इतनी लग रही थी तो मेरी प्यारी मम्मा मेरे लिए लाई है लाफिंग चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक. मैं काफ़ी टाइम बाद लाफिंग खा रही हूँ, मुँह में पानी आ रहा है. अच्छा है कार्तिक जी यहाँ है, बड़े हीरो सीरो बन के आ रखे हो. मुझे बताया नहीं मैं ऐसी आ रखी. तो क्या हुआ, मैं हीरो का मन लगा रहा था, नॉर्मल कपड़े में. गोवा वाइब कर रहे हो? नहीं तो गोवा वाइब तो देहरादून में हो नहीं सकती. अच्छा जी, फिर कैसे हो, कहाँ जाने के लिए तैयार हो रखे आज? ऐसे घूमने चलते हैं कहीं, मेरा मन नहीं कर रहा. मन नहीं कर रहा घूमने जाने, मतलब घर में रहने का मन नहीं कर रहा. चल घूमने चलते हैं, बहुत टाइम से हम घूमे भी ना, प्राइवेट मी टाइम. ओके, सूट का सरप्राइज कैसा लगा? बढ़िया था यार, मस्त था. जिस दिन सिलोगे वैसे पहन के. कैसी लगी? अच्छी लगी, अच्छी थी, बढ़िया, मस्त. थैंक यू. फिर मैं सोच रही हूँ सूट को ना मैं वो वाला सिलाऊंगी, मेरा दिल ये पुकारे आजा वाला डिजाइन. अच्छा, तो मतलब वैसा डिजाइन, थोड़ा सा ना सिंपल एंड सोवर डिजाइन. सिंपल एंड सोवर अच्छे से सिलवाओ. एंड पहले सोचा था बैकलेस सिलाऊंगी. पता है क्या, फिर उसको पहनेंगे एक स्पेशल डे में. ठीक है, पहले मैंने सोचा था मैं बैकलेस बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि तुम चिल्लाओगे तो फिर चलो कोई. हाँ गुड, अच्छा अच्छा दिमाग लगाया तुमने, गुड, गॉड ब्लेस यू. तो गाइज अभी हम आ चुके हैं मैगी पॉइंट और यहाँ का मौसम देखो भाई, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की और कितना रोमांटिक सा मौसम है. और ये हम लोग का बेस्ट प्लेस है तो यहाँ पे तो आना ही बनता है ना. रोमांटिक मौसम हो और हम दोनों साथ में यहाँ ना बैठे, ऐसा हो सकता है कि कभी ये
तो अभी हमने ऑर्डर किया है, हम दोनों को बहुत पसंद है जिंजर लेमन हनी टी। यस, तो वो दो आएंगे वाले और फिर हम खाएंगे बन मक्खन और एंजॉय करेंगे इस व्यू को यहाँ पे बारिश के साथ। वाओ, तो व्यू में आए हैं और अपना जिंजर लेमन हनी टी ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अभी वेट करते हैं। हमारा जिंजर लेमन हनी टी भी आ चुका है, इसको मिक्स करना पड़ता है ताकि हनी अच्छे से मिक्स हो जाए। है नाउ चीयर्स 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 टू वेदर। चीयर्स। मेरे हनी थोड़ा कम है। हमारा बन मक्खन भी आ गया है। ऑब्वियसली मैगी पॉइंट आए और बन मक्खन ना खाए ऐसा हो सकता है? कितना क्रंची है। तो गाइज अभी कार्तिक जी गाना गाने वाले हैं, कभी आपने सुना भी नहीं होगा। वैसे मुझे पंजाबी सॉन्ग बहुत पसंद है और मुझे मुंडा भी पंजाबी मिला है गाना गाने वाला, तो अभी दिखाते हुए 1 2 3 प्यार हुंदा पुला जनूक सोनिया जीवे हुंदी कुर्दी ने कुक सोनिया भूल के तेरे चमुल गया यार सजने राजी हो जवे फिर भी रोड़ा नहीं पाईदा पागला पागला जग हुंदा ही रहा। यो 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 गायब हो गया। बढ़िया। एक और सुना। तो गाइस अभी ये दूसरा गाना गाने वाला है और बोल रहा है बेइज्जती वाला मत डालना। दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग एंड आई विल डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टू यू। जब देखो यही गाना तो अच्छा है यार, माय फेवरेट सॉन्ग तो तुम्हारे लिए है। हमने सोचा था आज हम कार्तिक जी को मार्केट एक्सप्लोर कराएंगे और हम ना पार्किंग भी ढूंढ रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक जगह पार्किंग मिली थी बट किसी ने हमें भगा दिया कि यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते। और जब हम लोकेशन पे आए तो देखो पूरी खाली है, आज कुछ लगा ही नहीं है। वैसे इसको जाना भी पसंद नहीं है बट फिर भी मैं सोचा कुछ होम डेकोर का सामान देख लेते हैं, बट मोई मोई हो गया हमारा। तो बस अब दोबारा हम निकलते हैं कहीं और। ये राम जोरे तभी चश्मा लगाया। चश्मा इसलिए लगाया क्योंकि मेरा मन किया। तो गाइस इसको ना बहुत अच्छा लगता है संडे मार्केट, इसने मुझे फोर्स किया कि चल मार्केट में घुमा के लाती हूँ। मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मार्केट घूमने में, पर क्या करें जब किस्मत साथ होती है, भगवान साथ होता है तो ऐसा होता है कि पूरा खाली। मुझे वहाँ पे होम डेकोर का सामान बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगा इसका रूम मेकओवर भी हो रहा था, कुछ देख लेते हैं, बट इसी का किस्मत नहीं था। चलो चलो फिर ऐसा है तो वहाँ चलते घंटाघर। हाँ यार घंटाघर घूमते हैं। चलो चलो यार कहीं ना कहीं तो घूम ही लेते हैं घंटाघर, पर्दे लेते हैं आज। चलो घंटाघर हमारे हैं। तो अभी हम घंटाघर तो पहुंच चुके हैं पर लेने क्या ये भी नहीं पता, बस घूम रहे। क्या बोलते हो? मैं तो आता ही नहीं हूँ। अरे रहने दो, तुम इतने बड़े भी नहीं हो रखे हैं, हर कोने में घुसे रहते होंगे। ₹10 टॉवल ले लो, ₹10 बड़ा तुम्हारा अम्मा जी है ₹10 में देगा। यहाँ देखो गाइस इतना भीड़ है, मजा आ रहा है। तभी तो भीड़ है। फिर भी कुछ तो ले दो मुझे, जिस पे हाथ रखोगे वो ले दो। वो तो तुम्हारा ही है, ये तो तुम्हारा ही है। सबसे महंगी चीजों पे हाथ रखूंगी मैं, क्या करूं? रखो रखो सबसे महंगा मैं ही हूं। हां ये तो तुम्हारा ही है बस। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बारिश हो गई भाई इतनी तेज। तो अभी हमने घंटाघर घूम लिया, कुछ तो मिला नहीं और कुछ लेना भी नहीं है। हम आए थे मेन यहाँ कैट फूड लेने, तो अभी हम कैट फूड लेने जा रहे हैं। गाइज इतना सुहाना मौसम हो रहा है पर फिर भी इतनी पसीनी है, कहाँ से आ रही है हम तो समझ नहीं।
हाँ ह्यूमिड हो रही है, पर फिर भी हवा भी चल रहा, फिर भी बहुत गर्मी हो रहा। हमने कैट फूड ले लिया है, दिखा दो फिर से कितने हजार का चूना लग गया है पर कोई नहीं, अब क्या करें, लेना ही पड़ेगा। और जामुन भी ले लिया है हमने दो जगह, एक मेरे लिए एक कार्तिक के लिए। और जामुन बहुत मीठे होते हैं, पता है, मैंने वहाँ से खाए था, 7-8 पीस तो मैं ऐसे ही खा गया है। बहुत बकवास कर लिया, जामुन खाओ। कैसा मीठा है? तुम खाओ, खिलाने वाला तो है नहीं, खुद ही खाना। भाई डरा हूँ, क्या खाऊँ? मीठा है बहुत ज्यादा। मैं तो बता रहा, मैंने वहां तो 7-8 पीस खा लिए थे खड़े खड़े, तभी तो बोला, वरना मैं लेता ही नहीं। सो गाइज, इस ब्लॉग को अभी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक क्या करने का, जो लाइक शेयर कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।